हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, बहुत ही जल्दी और फटाफट वाला पुलाव बना रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं चिकन पुलाव। और ये है मेरा आज का नाश्ता, मैंने बनाया था सैंडविच और चाय। तो बस आज के दिन की शुरुआत, आज की वीडियो की शुरुआत नाश्ते से करती हूँ। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो पुलाव बनाने की तैयारी मैंने कर लिया है, चिकन वगैरह मैंने धो लिया था। और अभी सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी। तो मैं बर्तन में मैंने तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया है। और दो बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक कट किया था। तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें रहने दूंगी। और यहाँ पर ये खड़े गरम मसाले हैं, इसमें ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची है, तीन चार लौंग है, दो तेज़पत्ता है और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। तो बस इन सब चीज़ों को इसमें डालूंगी। सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करके निकाल लेती हूँ और फिर बाद में इसको डालूँगी। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही है, तो थोड़ा सा और प्याज हो जाएगी तो मैं उसमें से थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी और बाकी प्याज में ही फिर मैं मसाला मिक्स कर दूँगी। तो प्याज फ्राई हो गई है और मैंने इसमें से आधी से ज़्यादा प्याज मैंने निकाल लिया है। और अब ये थोड़ा सा तेज़ फ्राई हो गई है तो बस फटाफट से इसमें ये गरम मसाला डालेंगे। दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ और मैंने टमाटर चॉप करके रखा है, मैं उसको भी डाल दूँगी साथ में। और बस इन सबको डालकर अच्छे से भून लेना है। चॉप करके रखा है वो भी डाल रही हूँ साथ में। इस मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और बाकी के मसाले मैं अभी डाल रही हूँ इसमें। यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा, हाफ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये टमाटर और हरी धनिया का पेस्ट रखा था तो मैंने सोचा इसको भी डाल दूँ। तो बस इन सबको डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी के साथ अभी कर दूँगी मैं। दो हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और मैं मिर्ची बहुत ही कम डाल रही हूँ क्योंकि गरम मसाले में भी थोड़ा तेज़ होता है। और एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। बस अब इन सबको अच्छे से भून लेते हैं मसाले को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला अच्छी तरह से भून रहा है तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि मसाला भूनते भूनते आलू भी गल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको दो तीन हाथ चला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, साथ में दोनों भुन जाएगा। तो बस इसको दो मिनट इसको पकाती हूँ। ये हमारा एक किलो चिकन है, मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था और मसाला भी हमारा भुन रहा है। तो बस डायरेक्ट मैं अभी इसमें चिकन को डालती हूँ और बस उसको फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाह। तो साथ में ही मैं चिकन को भी डाल रही हूँ और इसको भून लेती हूँ। इसको 5 मिनट के लिए बंद करके रखते हैं, थोड़ा सा ये भून जाएगा, फिर बाकी का मसाला और चावल वगैरह इसमें डालूंगी मैं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया सा मसाला भुन रहा है और मैं इसमें दही डाल रही हूँ थोड़ी सी, कुछ होगी 50 ग्राम तक ये दही। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी हिलाकर वो भी डाल दूँगी और बस ये भुन गया है तो थोड़ा सा अभी पानी डालूँगी। मसाला बिल्कुल भुन गया है और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है तो इसमें पानी डाल देंगे और पानी को उबलने के लिए रखते हैं। तो पानी काफ़ी अच्छी तरह से उबल चुका है और अभी मैं इसमें राइस डालूंगी। तो मैं डेली जो घर में यूज़ करती हूँ बासमती टुकड़ा राइस, वही राइस डाल रही हूँ। मैं कोई बिरयानी राइस से पुलाव नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर में ही खाना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये 1.25 किलो तक राइस है हमारा और 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 1 किलो से कम है। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। बिस्मिल्लाह।
ये पूरा राइस में डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चावल मैंने पूरा डाल दिया है और बस अभी मैं थोड़ा सा इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ, साथ में वो भी पक जाएगा। तो ये देखिए पानी अच्छी तरह से उबल गया है, मैंने पूरा चावल डाल दिया है और बस ऊपर से हरी धनिया भी डाल देंगे और साथ में ये पक जाएगा, तो काफ़ी अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो बस हरी धनिया ढेर सारी डाल दिया है और इसको पकने देते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से ये उबल रहा है और यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और बस हमारा ये पुलाव बनकर रेडी होने वाला है और इसको अभी थोड़ा सा दम पे रखते हैं। तो बीच में मैंने इसको दो तीन बार चला दिया था, तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है और ऊपर से मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से गार्निश कर दिया है। आप देख रहे हैं कि मैंने बरिस्ता निकाल के रखा था वो डाल दिया है, हरी धनिया हरी मिर्च सारा ऊपर से टॉपिंग कर दिया है और बहुत सारा देसी घी डाल दिया है। और अब इसको स्लो फ्लेम पर ढक कर 10 मिनट के लिए रखते हैं ताकि ये पूरी अच्छी तरह से सीज जाए। और बस हमारा ये खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है और बस इसके बाद फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही यमी यमी सा चिकन पुलाव बनकर रेडी हो गया है और साथ में है सैलड। तो बस आ जाइए आप भी खाना खाने के लिए, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या बनाऊं तो बस झटपट से ये पुलाव बन जाता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।